मध्य प्रदेश में आप हालत देखिए कि ये हालत है कि आप जिन एमएलएस की दुहाई दे रहे हैं उनसे कोई मिल नहीं सकता। आप उन एमएलएस को जो नागरिक, एक प्रकार से नागरिक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के एमएलएस हैं, वो मध्य प्रदेश का चेहरा नहीं देख सकते, वो मध्य प्रदेश भोपाल एयरपोर्ट पे आ नहीं सकते, वो दावा क्या करेंगे अपने नंबरों का, अपनी श्रृंखला का। उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए नहीं आ सकते। ये क्या किडनैपिंग या हिरासत नहीं है? ये क्या धमकी और ब्लैकमेल जैसी चीज नहीं है? और ये क्या गणतांत्रिक है? मैं कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या कोई नई चीज बोल रहा हूं मैं आपको कि इस सरकार को अभी जन्मे 5-6 साल हुए हैं, उस 6 साल में इतनी उपलब्धियां कि नाम आता है गोवा का, वहां से हटते तो मणिपुर का, वहां से हटते तो अरुणाचल प्रदेश का, वहां से हटते तो कर्नाटक का, हाल की हरियाणा भी आपकी सरकार जरूर है वहां पर, लेकिन हम जानते हैं क्या हुआ था। तो ये उदाहरण दिन प्रतिदिन, 70 साल में कभी एक सरकार ने इतने कम समय में उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि है माननीय मोदी जी की, और मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं कि इतने कम समय में इतनी उपलब्धियां नहीं कर सकते गैर कानूनी असंवैधानिक कोई भी। और ये बात भूलना कि संसद और असेंबली के वोटर्स द्वारा चुनावित बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तोला नहीं करते किस चीज में? जिसका नाम आप सब जानते हैं, एम से शुरू होता है और हिंदी में आर से शुरू होता है। आज तो तोला जा रहा है इस प्रकार से, और बिना झिझक के। तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आपका कानूनी दावा है, स्वागत है, हम सब रखेंगे सामने, लेकिन आपने ये किस प्रकार से किया कि कोई दावा नहीं किया अभी तक बहुमत सरकार बनाने का, कोई अविश्वास मत का मोशन नहीं लाया। आप जाते हैं एक असंवैधानिक गैरकानूनी स्तर पे कि माननीय राज्यपाल जी हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि आप हमारे देश के राष्ट्रीय सरकार के उसी रंग के व्यक्ति हैं, तो हम आपको कह रहे हैं कि साहब आप एक आदेश दीजिए माननीय स्पीकर को कि वो इस समय इस रूप से कन्वीन करे, और माननीय राज्यपाल जी एक वाक्य का एड्रेस पढ़कर चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कानून की पहले साल की पहले महीने की पहली क्लास में हर व्यक्ति जानता है कि राज्यपाल इस देश का किसी असेंबली का स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का गलतफहमी न स्पीकर को होनी चाहिए राज्यपाल के पद के बारे में, और न राज्यपाल को होनी चाहिए स्पीकर के पद के बारे में। तो मैं कहूँगा अंत में कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी ने हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र को शर्मित ही नहीं किया है, मजाक का एक मुद्दा बना दिया है विश्वभर में, और हम इससे कड़ी से कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं।